हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जैसा कि आपको पता है वीवो T1 स्मार्टफोन जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई हुई है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो इसी की सक्सेस को देखते हुए जो वीवो कंपनी है उन्होंने अपना T1 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बना लिया है। लीक्स निकल कर आ चुके हैं, उसके फीचर्स निकल कर आ चुके हैं, साथ साथ उसकी लॉन्च डेट भी निकल कर आ चुके हैं, कब लॉन्च होगा और उसकी प्राइस भी निकल कर आ चुके हैं कि क्या प्राइस पर वो लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, उससे पहले अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो पर ले लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद बात करें इसके कैमराज की, तो इसमें आपको रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी फास्ट चार्जिंग के साथ। उसके बाद बात करें इसके प्रोसेसर की, जो कि काफी अच्छा होने वाला है। इसमें आपको प्रोसेसर मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 यानी 810 5G प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, 20,000 के अराउंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। उसके बाद बात करें अदर फीचर्स की, तो अदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिक फीचर्स सभी स्मार्टफोन मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह और भी जो भी चीजें होती हैं, 3.5mm का जैक वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो लीक्स की तरफ से निकल कर आ रहा है कि अप्रैल के महीने में जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च हो सकता है। उसके बाद बात करें इसकी प्राइस की, तो लीक्स की तरफ से यह भी निकल कर आ रहा है कि 19,000 से 20,000 के अराउंड इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। अगर दोस्तों ये 19 से 20,000 के प्राइस में यहाँ पे लॉन्च होता है तो काफी ज्यादा क्लियर स्मार्टफोन बन जाएगा, काफी अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स आपको दिए गए हैं और डिस्प्ले की तो क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले में तो काफी अच्छे फीचर्स हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर आप भी इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।